हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है नमस्ते मैं हुशैफ हाँ आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए यही हम जानने की कोशिश करेंगे एंड आज की रीडिंग जो है जोडियस साइन के हिसाब से होने वाली है तो आपका जोडियस साइन जो भी है अकॉर्डिंग टू योर मून साइन सन साइन या नॉर्थ नोड के हिसाब से आप अपने साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं और मैं अपना व्यूअर्स का अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ आई लव यू गाइस सो मच ओके थैंक यू फॉर बींग विद मी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो थैंक यू सो मच एंड जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली आल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी, भी मत भूलिएगा साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करेगा ये वीडियो एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे ई मेल आई डी पर सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रथ एट जी मेल डॉट कॉम या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आई डी है सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रथ एंड अगर आप मुझे कोई क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स को मैं पूरी तरह से एनर्जाइज करके आप लोगों तक पहुंचाती हूं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रॉब्लम्स ओके सो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग हेलो एवरीवन आप लोगों की राशि अगर एरीज राशि है यानी कि मेष राशि तो देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है एरीज राशि के लिए स्टार विश राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है आई थिंक आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो गाइस बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे थैंक यू सो मच किंग ऑफ पेंटिकल्स थैंक यू इस राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है थैंक यू सो मच मेष राशि एक राशि की लिए नेक्स्ट वीक थैंक यू द हार ऑफ फ्रेंड्स यस मैंने कहा ही था स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं थैंक यू देखिए कितनी आसानी से आप लोगों के लिए कार्ड्स आ रहे हैं पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं मैं फिर से शुरू करना चाहूँगी थैंक यू थैंक यू राशि एनर्जीज यहाँ मुझे बहुत फील हो रही है फाइव फॉर्म काफी ज्यादा पैशनेट हैं आप लोग अपने काम के प्रति इस हफ्ते आप लोग अपने काम में ही मन लगाए रखेंगे और आप लोग अपने करियर पे ही यहाँ पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ऑल्सो स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी आपका फोकस बना रहेगा एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्योंकि फाइव नंबर यहाँ पर आया है एंड जस्ट उसके नीचे हमारे पास डेथ कार्ड विच सिम्बलाइज चेंजेस तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में हो सकता है ये बहुत ही अच्छे चेंजेस हों या फिर आप लोगों को कोई अपने रूटीन में चेंजेस देखने को मिले या फिर आप लोगों के वर्क प्लेस में कोई चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं हो सकता है आपकी पोस्ट में आपके अहदे में कोई ना कोई यहाँ पर चेंज आ रहा है आपके स्टेटस में मुझे लगता है कि आपका स्टेटस यहाँ पर बढ़ने वाला है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉसबिलिटीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की कोई ना कोई विश यहाँ पर पूरी होने वाली है एंड ये विश मुझे मनी रिलेटेड ज़्यादा लग रही है आपके फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा लग रही है एंड आपकी जो भी मनी विश है वो पूरी यहाँ पर होने वाली है ओके तो आपके करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है हालाँकि आप लोग हार्डवर्क बहुत ज़्यादा रहेगा आपके जीवन में इस हफ्ते एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने को यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत मेहनत लगेगी आपके हार्डवर्क लगेगा यहाँ पर इस वीक और आप लोग बहुत पैशनेट फील करेंगे साथ ही मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा कम्पटेटिव एनर्जीज यहाँ पर आई हैं आपके आसपास बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो सकता है एंड आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एनवाइ मैं देख रही हूँ एंड साथ ही अगर साथ ही आप लोगों के वर्क प्लेस पर किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है आपका तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप लोग किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें आप लोगों को, को शांति बनाए रखनी है क्योंकि यहाँ पर आप लोग ग्रो हो रहे हैं आप लोग अपनी एनर्जी को ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर शांति बनाए रखिए और अपने काम पर यहाँ पर फोकस कीजिए ऑल्सो वी हैव फाइव फाइव हेयर ओके दो बार हमारे पास फाइव आया है डेथ भी है यहाँ पर उसके नीचे टेन ऑफ थॉट्स टू समथिंग इज गोइंग टू चेंज अ बिग चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ और यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज फील कर रहे थे आजकल इन दोनों तो आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है हो सकता है आपको अचानक से ही कोई प्रमोशन मिल जाए कहीं से कोई ऑफर मिल जाए आप लोगों को जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दे ओके okay, यहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है कोई ऑफ़र जो आपको स्पॉटलाइट में लेकर आ जाए कोई ऑफ़र कोई चीज़ यहाँ पर है जो आपको अपने सत्य के साथ मिलवा दे आपका सच क्या है आपकी सच्चाई क्या है आप लोगों को क्या करना है आगे इस चीज़ से आप लोगों को मिल जाए एंड वो कैसे हो सकता है कहीं ना कहीं से यहाँ पर आपके कोई बड़े आपको एडवाइस दे सकते हैं कोई गुरु आ रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इस वीक जो कि आपको गाइड कर सकते हैं ओके यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके गुरु जो हैं आपके फादर फिगर हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई आपसे बड़े हैं वो हो सकते हैं आपके स्पाउस आपके ब्रदर आपके कोई फ्रेंड आपके फादर आपके कोई ना कोई मेल फ्रेंड यहाँ पर मेल एंटिटी है कोई ना कोई मेल एनर्जी यहाँ पर है जो कि आपको यहाँ गाइड करने में बहुत ही आ, मदद करने वाली है ओके साथ ही मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बट साथ ही आप लोग आराम भी करेंगे साथ क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी है तो आराम भी करेंगे आप लोग साथ ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स हैं यहाँ पर आप लोग किसी अम, आप लोगों का पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा मन लगने वाला है मेडिटेशन भी करते हो मुझे कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं ओके okay, मेडिटेशन कर रहे हो तब भी यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी क्यों आई है गाइस यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बच के रहना है कहीं ना कहीं से आपको कोई प्रवो प्रवोक कर सकता है कि आप आ लड़ाई झगड़ा करो आ बैल मुझे मार ऐसी वाली सिचुएशन में आपको नहीं जाना है ओके गाइज़ एंड यहाँ पर करियर के लिहाज से बहुत अच्छी एनर्जीज मैं देख रही हूँ पैसा बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल सकता है नहीं तो आप लोगों की लाइफ में कोई प्रमोशन वगैरह आ सकता है जिसको कोई ना कोई ज़रिया मिल सकता है आपको पैसा कमाने का ओके okay? कोई नया आइडिया यहाँ पर नया विचार यहाँ जन्म ले सकता है ओके okay? साथ ही मैं देख रही हूँ हीलिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए जो लोग भी यहाँ पर बीमार चल रहे थे तो उन लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग आ रही है डिवाइन आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ओके साथ ही आप लोग भी किसी के लिए गुरु की भूमिका को अदा कर सकते हैं कुछ ना कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट एडवाइस हो सकती है जो आप दूसरों के साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं मुझे लगता है कुछ लोगों को अपने थ्रोट चक्रा को यूज़ करने का भी मौका मिलेगा आप लोग कुछ ना कुछ स्पीच देने जा सकते हैं स्टेज परफॉर्मेंस आपकी मैं देख रही हूँ या तो फिर कोई ना कोई आप लोग स्पीच दे रहे हैं कोई डिबेट में पार्टिसिपेशन में देख रही हूँ आप लोगों का ओके okay? कहीं ना कहीं से बोलना इस हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करना ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ओके okay? इस वीक आने वाली वीक में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं इन लव लाइफ में देखो तो आपकी लव लाइफ मुझे यहाँ पर नॉर्मल ही दिख रही है कुछ ऐसे बदलाव नहीं दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है ओके okay, साथ ही हेल्थ वाइज में देखो तो आपके कमर में दर्द हो सकता है कि बैक पेन की शिकायत आप लोगों को हो सकती है तो अपनी बॉडी का यहाँ पर ध्यान रखिएगा ओके okay? um, बहुत ज़्यादा काम मत कीजिएगा अपने आप को समय समय पर रेस्ट देना भी आप लोगों के लिए रेस्ट करना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, देखते हैं गाइज आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है मेष राशि थैंक यू मेष राशि के लिए अपने थ्रोट चक्र का ध्यान दीजिए जितना नए वर्ड्स हो सकते हैं उतने न्यू वर्ड्स यहाँ पर सीखिए ओके okay? क्योंकि आप लोगों को एक्सप्रेस करना है कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशन की एनर्जी आई है के के लिए लिए इस क्या थैंक थैंक यू यू मैंने आपसे क्या कहा गाइस कम आउट ऑफ द केव परसिक्यूशन एक्सप्रेशन यहाँ पर एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को ओके okay, यहाँ पर एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फीलिंग्स को यहाँ एक्सप्रेस कीजिए आप क्या फील करते हैं क्या सोचते हैं ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वी हैव डीप रिप्लेनिशमेंट रिट्रीट रेस्ट बी हेल्ड यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कोई ना कोई हीलिंग बात आप लोगों को यहाँ पर लेना चाहिए सॉल्ट बात आप लोग ले सकते हैं ओके okay? वो आपको रेस्ट देगा एंड आप लोग अपने बालों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने बालों पर ध्यान दीजिए अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसको डीप नरिशमेंट देने की आप लोगों के लिए जर, आप लोगों को ज़रूरत है ओके okay? एंड अपने आप को ही, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ओके okay? साथ ही तमस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आलस मत कीजिए ओके okay? प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी में मत जाइएगा चीज़ों को टालिएगा मत ऑल्सो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप लोगों को अपनी डाइट का ध्यान रखने की जरूरत है अगर कुछ चीज़ तला भुना खाने से आपको ज़्यादा आलस आ रहा है तो ये आपको अवॉइड करना है ओके okay? अपनी डाइट को मैंटेन करना है इस तरह से कि आपको आलस ना आए ओके okay? आप लोग एक्टिव फील करें साथ ही मैं देख रही हूँ प्राण आए यहाँ पर आपको अपने प्राण वायु के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको अपनी ब्रेथ पे यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोग कैसे ब्रीथ कर रहे हैं आपके ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न क्या है आप लोगों का क्या आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सांस आ रही है या फिर बहुत स्लो सांस आ रही है जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं आप लोग इसका मतलब ये है कि आप लोगों की बॉडी बहुत ही घबराई हुई है इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इमरजेंसी है जब हम ज़्यादा हाँफते हैं ना यू नो तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जल्दबाजी है कोई इमरजेंसी है तो बॉडी उसमें स्ट्रेस में आ जाती है तो आपको यहाँ पर अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान देना है ब्रीथ करना है ओके ऑल्सो एम सीन बटरफ्लाई है यहाँ पर आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए इस सो so येस yes, ये थे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से तो प्लीज गिव केविर थम्स अप एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करेगा ये वीडियो तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय